तो गाइस मेरे पीछे अंबानी का 15,000 करोड़ रुपए का घर एंटेलिया। ये घर भाई 27 फ्लोर का और इसमें 6 फ्लोर तो बस पार्किंग ही है और अंदर इतनी सारी लग्जरियस एमिनिटीज है कि इंसान गिनते गिनते थक जाएगा। तो आज हम लोग अंबानी घर तो नहीं जा सकते लेकिन जो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टीज है जो सबके लिए बनाई है वो हम लोग जाके आज विजिट करने वाले हैं और वो भी बहुत लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव है। तो चलो आज चलते हैं। यस गाइज, ये है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर और आप लोगों ने देखा भी होगा इसकी ओपनिंग के लिए दुनिया भर से सेलिब्रिटीज आए थे, टॉम हॉलैंड और जेंडिया। मीनवाइल टॉम होमकमिंग अंबानी के पास इतना पैसा है कि सबको बुला सकते हैं। तो गाइस एंड मैक के अंदर एक्चुअली बहुत सारी लग्जरी चीजें हैं, लेट्स सी कि क्या क्या मिल सकते हैं। भाई ऐसे लिफ्ट देख के बहुत ग्रैंड लग रही है ये तो। और मतलब यहाँ पे महंगी से महंगी आप लोगों को कल्चरल चीजें मिल जाएंगी और बेस्ट चीजें हमें मिल जाती है। तो थोड़ा डर लग रहा है मैं इधर आके। अभी ये भी सैनिटाइजर, भाई कितना बड़ा सैनिटाइजर है वो। भाई भाई ये देखो, बाप रे ऐसी कार होती है, ऐसा लग रहा है सीधे फ्यूचर में खोला गेट। लाइक 2050 के आगे भी लग रहा है, बहुत फ्यूचरिस्टिक कार एकदम बूम। मर्सिडीज की है यार ये, बस इतना पता है। देखो लिखा हुआ है AMG। मुझे क्या लग रहा है पता क्या, इसके अंदर आप बैठोगे ना तो मे बी वो खुल जाएगा एकदम, जो डिजिटली खुलता ना एकदम, क्या बोलते उसको, आयरन मैन बन जाओगे एक ही जगह पे। भाई ऐसी गाड़ी लेनी है, मुझे क्या लग रहा है पता, ये ट्रांसफॉर्मर तो नहीं है ना, ऐसा वो रिजॉर्ट तो नहीं बनेगा ना, खड़ा होकर ट्रांसफॉर्मर बनेगा। बोलेगा भाई ये लो तुम्हारा डायमंड बटन। डायमंड बटन से याद आया गाइस, सब्सक्राइब कर दो ब्रो। उसका स्टीयरिंग देख, वीडियो गेम खेलते हैं ना वैसा है। अरे ये पूरा पिन से बनाया हुआ है, मेरे को लगा ये वॉल है, मैं इधर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब ऐसे पास से देखे ना वैसे पूरे पिन पिन लगती है, बट लेट्स से मैं तुझे पिन देता हूँ, ये सारा पिन तो कैसे लगाया, कितने दिन में लगाएगा ऐसा पिन, साल दो साल, सालों लग जाएंगे। भाई ये साड़ियाँ देखो, ओह भाई ये बड़ी प्रिटी लग रही है। भाई जितने की साड़ी होगी ना उतने में पूरी शादी हो जाती है। बात तो सही है भाई। एक चीज दिखाऊं ना, एन मैक के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिफ्ट है पता है किधर? भाई ये देखो, लार्जेस्ट पैसेंजर एलिवेटर। भाई इसको लिफ्ट नहीं बोलते ब्रो। ये मुंबई का लिफ्ट नहीं है, मुंबई का 2 BHK है भाई। ये बंद है शायद, ये हाथ से खोलना पड़ता है भाई। इतना बड़ा लिफ्ट है तो हाथ से क्यों खोलना पड़ेगा। अगर ये लिफ्ट में कोई ऐसा नौकरी करता रहेगा ना जो लिफ्ट वाला रहता है ना, उसके मजे है भाई। सोफा में बैठ के बटन दबाते फिर रहा है, यहीं पे बना रहा है इतनी डिटेलिंग। संकेत ने मैकेनिकल इंजीनियर किया, उसको पता रहेगा आपका कैमरा में, मैकेनिकल इंजीनियर ही नोज द स्टफ। अगर उसे पता होता। भाई मैं एक शॉल का प्राइस देख के आया, 31,000 हम चले जाते हैं आगे। 31,000 रुपीज़ की भाई शॉल, 31,000 में 10 साल के कपड़े हो जाते हैं भाई। 96,000 रुपीज की साड़ी है भाई, बढ़िया लग रहा है, इतना सारा कल्चर प्रमोट करते हैं। देखो जादुई कारपेट है इधर। भाई उसका जब तो प्राइस सुनेगा तो सच्ची जादुई लगेगा। बात समझ में नहीं आ रही, बट इतना ही कॉस्टली क्यों है ये भाई? क्योंकि ये हाथ से बनी है, मशीन से नहीं है। नीता मुकेश अंबानी सेंटर के अंदर बनी है इसलिए और महंगी है। भाई जिधर नजर घुमाओ कुछ ना कुछ अलग ही चलता है भाई इधर। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी वीडियोस भी अच्छा कर रहे हैं एंड अभी फाइनली मैं वैसा कंटेंट बना पा रहा हूँ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। और ये साल मेरा पूरा एम है कि आप लोगों के लिए और बेटर कंटेंट लाऊं, पूरी जान लगा देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन गाइस पता है लाइफ हमेशा एकदम सेम नहीं चलती है, तो थोड़े टाइम पहले मेरे भी कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं इतना फोकस नहीं कर पा रहा था अपने करियर पे। तो उसी टाइम पे मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया और थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद ना गाइस मेरे को एस्ट्रो टॉक के बारे में पता चला, जहां पे मैं एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से कनेक्ट हुआ और उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे जो भी इश्यूज थे उसके बारे में खुद ही एड्रेस कर दिया। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम समझी और उसके बाद उनकी एडवाइस की वजह से मेरी काफी हेल्प हुई। तो गाइस काम तो हमें ही करना है, बट अगर आप लोगों ने सही एडवाइस देने वाला मिल जाता है ना टाइम पे तो हमारा डायरेक्शन सही हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, तो फिर एस्ट्रो टॉक ऐप ट्राई कर लेना, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू चेक इट आउट। और हाँ, अब तो एस्ट्रो टॉक पे फ्री चैट भी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आप लोग एस्ट्रोलॉजी से बात कर सकते हो वो भी फ्री में। आपकी कोई भी प्रॉब्लम जैसे करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल या आपके पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड, सारी चीजों का वहाँ पे एडवाइस मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए सारे स्टेट से अलग अलग लोग आए हैं जो एक्चुअली हैंडक्राफ्ट कर रहे चीजें, वो सारी चीजें तो है। प्लस यहाँ पे फोक डांस और ड्रामा ये सारी चीजें भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो जो यूजुअली यहाँ पे शोज में चलती रहती है। तो यहाँ पे ऐसे ना कितने मल्टीपल शोज होते हैं जिसे आप बुक कर सकते हो, मतलब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यहाँ पे शोज होते हैं, बहुत सारी चीजें परफॉर्म की जाती है। भाई कुछ भी बोलो, भाई अंबानी करते हैं तो भाई बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। अंबानी अंबानी लेवल को ट्रैक नहीं करता, अंबानी अपने अलग लेवल बनाता है भाई। हाथी पूरे रोज से बनाया क्या भाई? यहाँ पे ओरिजिनल हो सकता है? नहीं ओरिजिनल नहीं है। नहीं रोज नकली है, होता आज रहता कल नहीं रहता है भाई। वो देखो शो भी हमने बुक किया हुआ है, पूरा आधे घंटे का शो रहेगा, फाउंटेन शो है गाइस आधे घंटे का, और एक मिरर रूम है वो भी बुक किया हुआ है। मेरे ध्यान देने सब डिजाइनिंग में जा रहे हैं भाई, बस ये मत बोलते हैं कि ये सोने का है, सोना भी तो मेटल ही होता है, अंबानी के लिए मेटल ही सोना है भाई। भाई यहाँ पे जो सामान है ना इसे बहुत वैल्यूएबल तो लग रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट देखो भाई, छोटी छोटी चीजें भी ऐसे 8,000 10,000 महंगे बहुत है भाई। पता है वैसे ऐसा
नॉर्मल लाइफ रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है कर लिया है, लेकिन जब भाई ऐसी जगह आना तो रियलाइज होता है कि आपको कितना करना और बाकी है। इतनी महंगी महंगी चीजें हैं भाई दुनिया में जिनको हम सोच भी नहीं सकते खरीदने का। कहें गाइस खरीदना एक दिन, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो लाइट है, डिटेलिंग बहुत है भाई इधर। दर्जी तू भी सुंदर लग रहा है इधर, वैसे नहीं लगता है भाई। इधर रेस्टोरेंट भी है, ये बहुत महंगा रेस्टोरेंट होगा। तो गाइस यहाँ पे और भी दो तीन चीजें हैं यूनिक यूनिक, हम लोग सब जाके एक बार विजिट करते हैं जो भी पॉसिबल हो पाता है। नहीं वो नीचे जा रहा है, यहाँ से आना है। अरे ऊपर जाना है। अरे ऊपर जाना है बट उधर से। हाँ कैसा है? नहीं नहीं जा तू, नहीं जाना। अरे हाँ, अरे बेकार है भाई। क्या है ना इतना ज्यादा चमक धमक है भाई, आंखें एकदम ऐसे चौंध जा रही है। अरे तू भी चमक रहा है एकदम। दूध से बनता है मावा भाई मेरा छावा। भाई इमेजिन करो जब रोज सुबह उठ रहा हूँ मेरे घर की ऐसी स्टेयर से एकदम देखो ऐसे चमकती हुई। भाई ये पूरे टाइम साफ सफाई करते रहते हैं। अरे वो गंदा भी नहीं है। एकदम चमक रहा है। सुन तू नीचे देखेगा ना एकदम अलग लगेगा, एकदम नीचे देख। भाई मेरी फट रही है। नीचे देख तू चमक रहा है ना। ये क्या है, पानी है क्या? हाँ पानी जैसा लग रहा है। देख नीचे देख, कॉन्सेंट्रेट करके देख नीचे ही। सिर्फ आज हमें तेजस पार्टी देने का मैं पार्टी ये कब तेजस पार्टी देने देखो पता है बर्थडे उस दिन बोला था याद है ना। बर्थडे भाई मैं जन्मा ही नहीं हूँ, मैं तो टपका ऊपर से। यहाँ पे वड़ा पाव खिलाओ, दो वड़ा पाव 150 रुपीस के भाई। 150 वाला वड़ा पाव ट्राई करें। मैं सबसे डिफिकल्ट चीज खाऊंगा भाई। कौन सा? मक्की सुशी एस्पैरेगस शीताके शक्तिमान एंड आई क्रीम चीज क्या है? सैंडविच कॉफी भाई मैं सैंडविच के लिए यहाँ पे आऊंगा भाई। गाइस एक्चुअली जो फूड का प्राइस है वो काफी मतलब इस जगह के हिसाब से बहुत रीजनेबल लगा, मतलब सही है यार। आप सब चीजें ट्राई कर सकते हो, कॉम्बो वगैरह बना के आपको ये पूरा एक मील विद बेवरेज 200 रुपए में मिल जाता है। भाई अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? भाई पहले तो 4 जन दिखाई दे रहे थे, 400 दिख रहे हैं भाई। शो खत्म हो गया। अभी समझ में आ रहा है अमीर लोग कहाँ आते हैं शो देखने भाई। भाई यहाँ पे तीनों चीजें देखो, सादा स्टेयर्स भी है, एस्केलेटर्स भी है, लिफ्ट भी है, मतलब अपने हिसाब से जो यूज करने करो भाई। थक गया रे। अरे पहली स्टेयर्स चढ़ा है भाई। भाई ये कहाँ आ गए? ये अमेरिका का फ्लैग क्यों लगा है? वो उधर घुसते कंट्री चेंज, उधर उधर हमने हॉट डॉग सैंडविच वगैरह खा लिया ना। कंट्री चेंज हो गया, कंट्री चेंज हो गया अपना। सिर्फ तेजस की फसल दिख रही है। बीच में लाइट आएंगे सबसे 100-100 रुपए एंट्री बेच देंगे। चम्मच से फूल बने हमें हकल दिया वहाँ से। शॉर्ट भाई निकल गए यहाँ से, ऊपर अलाउड नहीं है भाई। भाई यहाँ पे हर एक चीज डिफाइंड है, ऐसे कहीं पे नहीं जा सकता। अभी समझ में आ रहा है, कुछ भी बोलो भाई बनाया तो मस्त। अंबानी जो भी काम करता है भाई एकदम बड़े लेवल पे करते हैं भाई अंबानी से। ओके गाइस अभी मैं हूँ जियो वर्ल्ड ड्राइव के सामने और ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस मॉल है। और इनफैक्ट जो इंडिया में सबसे पहला एप्पल का स्टोर खुला था वो भी इसी मॉल के अंदर है। एंड ऐसा कहते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है। चलो और देखते हैं अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है। ओ भाई ये देखो म्यूजियम ऑफ बॉलीवुड पोस्टर्स, गंगा जमुना, ये ओरिजिनल पोस्टर्स है यार वो टाइम के, राम और शाम, हॉल टिकट, एप्पल बॉस, एप्पल। ओ भाई ये देखो यूनिटी ब्लूम, यार ये सारी चीजें कहीं और दिखती ही नहीं है ना भाई। इतने सारे कवर है लेकिन पता है एक एक कवर 5,000-5,000 रुपए का। पीयूष भाई क्या ले लोगे आज? अरे तुम बता तुम क्या ले रहे हो? ये यूनिटी भाई, ये लेते हो एक बार में खत्म कर देते चीजों को। ये ले लेते हैं, ये ले लेते भाई पूरा एक सेटअप ही ले लेते भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ 10 साल बाद तो ले लेंगे भाई। ये 7 लाख से चालू हो रहा है भाई। मैं आईफोन ले लेता पर मेरे को कलर ही पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा पैसे हैं तुम्हारे पास? म्यूजिक भाई मुझे ये बताओ इतना बड़ा भाई सीपीयू है, इन्होंने इतना भी ध्यान रखा है कि अगर इससे नहीं उठा पाए तो इसको भी पकड़ के से उठा सकते हैं। जियो का गाइस इतनी बड़ी बड़ी जगह बन गई है कि एप्पल का भी सबसे अच्छा स्टोर जियो वर्ल्ड ड्राइव के अंदर ही एक्चुअली। भाई देखो इसे कहते हैं स्क्रीन। यहाँ पे आगे भाई ऐसा फील हो रहा है कि अभी बहुत कम चीजें हम लोगों ने एप्पल की देखी है। आम का सीजन आने वाला है, देखो आम के पेड़ है। ये आम के पेड़ है भाई, असली पेड़ है भाई, असली पेड़ लगाया अंदर, टोटल सस्टेन कर रहा है लाइफस्टाइल। आम के पेड़ नहीं है भाई ये, कौन से तो है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये पत्तियां गिरती होंगी तो ये रोज साफ करते हैं अंदर। पीयूष भाई एक डब्बा उठाना, डब्बा मारते इधर से। क्या चुरा रहे हो? अरे भाई खाली डब्बा भाई, खाली डब्बा है उनको पता है। देखो भाई कहीं ओरिजिनल स्टोर खुला है लेकिन वो इंडिया में खुला है। अरे ये कौन सा भाई? मलमल रितु कुमार। ये रितु कुमार है कौन? मिलने जाना किसी दिन भाई। ये देखो ऐसे ऐसे नाम कभी सुने ही नहीं हो किसी ने। पहली चीज लगी जो पहले से सुनी हुई है नाइकी। इधर तो घुसेंगे भाई, इसमें तो घुसेंगे पक्का। स्वारोव्स्की भाई साहब, इतना पिंक इतना क्यूट सा। ये भाई क्या गिफ्ट देना चाहते हो? जब गर्लफ्रेंड बन जाए ना तो यहाँ से गिफ्ट देना।
ओ भाई ये क्या है, डिजाइन मस्त लग रहा है। अरे वो वैसा डिजाइन लग रहा है पता है, वो जिसमें आयरन मैन वो फंस नहीं जाता है। भाई आपको एक सुपर ड्राई की स्टोरी बताऊं भाई, मैं और संकेत एक बार गए थे सुपर ड्राई के शोरूम में, और संकेत ने ऐसे कैजुअली वहां पे ट्रैक का प्राइस पूछ लिया। उसने बताया हमको 799। संकेत बोलता है भाई सस्ता है, मैं तो दो चार ले लूं। फिर बोला भाई कितना लगा तेरे को, बोलता है बोला ना 799 800 रुपए। बोला भाई 799 नहीं 799 है, 8000 रुपए की एक ट्रैक है। फिर भाई हम 8 सेकंड के अंदर उधर से बाहर निकले। चलो भाई इसका वॉशरूम रिव्यू करेंगे हम, जिधर किधर जाते हैं भाई वहाँ का वॉशरूम ही रिव्यू करते हैं। yes. वॉशरूम से पूरे मॉल की ना असलियत पता चल जाती है। बात तो सही है। ओ भाई ये क्या है, भाई ये वॉशरूम है भाई, वॉशरूम के आगे वेटिंग एरिया है। ओ भाई भाई मेरे को पता है एक टाइम के लिए क्या लगा, किसी का बैग पड़ा हुआ है भाई, तो डस्टबिन है ये, ऐसा नहीं लग रहा किसी ने अपना बैग छोड़ के चला गया। भाई मैंने पहला वॉशरूम देखा जिसके अंदर सोप भी और लोशन भी है। लोशन और सोप कौन देता है भाई। Meanwhile, भाई पूरा मेकअप आज ही करोगे क्या भाई, मैं सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाना भूल गया आज तो, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्या भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। ये देखो भाई इसमें से हवा किधर से निकलती है। ओ भाई अगर ऐसा वॉशरूम हो तो एक घंटा वॉशरूम में रह सकते हैं। भाई मुझे लगा कनन गिल सिर्फ पोस्टर में है भाई, वो पीछे का है। ये बुक भाई मैंने पढ़ी हुई है, एटॉमिक हैबिट्स। मेरी हैबिट्स चेंज ही नहीं हुई यार, मैंने पूरी बुक पढ़ी भाई, मैंने बहुत कोशिश करी हैबिट्स बनाने की लेकिन सारी हैबिट्स सेम ही है। यही बुक है भाई एक्ट्स ऑफ गॉड जो कनन गिल ने लिखी हुई है, बट उसने स्पॉन्सर नहीं किया था, हम उससे आगे नहीं दिखाएंगे। जियो वाला का खुद का भाई ऐसे ग्रोसरी स्टोर है, ये देखो फ्रेश पिक। तो गाइज मेरे हाथ में ही पूरा डिवाइस आ गया है, तो एक्चुअली अभी मुझे कुछ भी परचेस करना है ना, तो भाई ये देखो बस ऐसे, ओ देखो ओरियो ऐड हो गया मेरी कार्ट में। तो अब गाइज ऐसे करके मैं सारी चीज़ें जो भी हैं मैं ऐड कर सकता हूँ और लास्ट में इधर ही पे कर दूँगा ख़त्म। और भाई ये देखो जिससे कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं कार्ट से ऐसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये मॉल तो बहुत अच्छा था और दूसरे मॉल से काफ़ी ज़्यादा ऐसे अमीर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन चलो अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। ओके गाइस अभी जो नेक्स्ट चीज में आया है वो है ईशा अंबानी के थ्रू स्टार्ट की हुई यस एजॉर्ट, एंड एजॉर्ट का ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर है जो मेरे पीछे है। और इसकी पता है एक बढ़िया खास बात है कि यहाँ पे ना आप लोगों को सेल्फ चेकआउट मिल जाता है, मतलब आप लोग कुछ भी परचेज वगैरह करो और उसके बाद यहाँ पे खुद ही चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत अफोर्डेबल क्लोथ्स मिल जाते हैं, प्लस इसका एम्बियंस वगैरह बहुत बढ़िया है। चलो आओ चेकआउट करते हैं। यार ये चीज बहुत अलग ही लग रही है ना भाई, मतलब पूरा डिस्प्ले है। यार एक चीज़ मैंने नोटिस करी आते ही, ये पूरे स्टोर में ना बहुत ही ऐसे ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स हैं, मतलब कि एकदम फ्लोरल और ऐसे आपको बहुत ऐसे लाइवली वाइब देंगे और बहुत सही लग रहा है। तेज भाई क्या ढूंढ रहे हो, शर्ट अच्छा लगा था ठीक है बहुत। हाँ मतलब सिंपलिस्टिक डिजाइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे टैकी वगैरह। तो गाइस इन्होंने एक्चुअली बोला कि स्मार्ट ट्रायल रूम चाहिए, तो लेट्स सी कि क्या होता है अंदर। ओ भाई ये तो अलग ही है। एजॉर्ट के अंदर सच में स्मार्ट ट्रायल रूम्स है, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर घुसा तो जो टी शर्ट मैंने हाथ में कैरी करी थी वही सेम एग्जैक्ट डिस्प्ले पे आ गई। और मैं भी सोच रहा था कि यार इन्होंने कहीं कैमरा तो नहीं लगा रखे हैं ट्रायल रूम के अंदर, बट वहाँ पे एक भी कैमरा नहीं है। तो यस गाइस ओवरऑल प्रोसेस एक्चुअली काफी स्मूथ था भाई, बेस्ट चीज है लाइन नहीं लगानी पड़ती, और दूसरी बेस्ट चीज ये पेपर बैग फ्री में देते हैं। चलो अभी नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। तो गाइस मेरे सामने अनंत पैलेस, ये एक्चुअली अंबानी ने तो नहीं बनाया लेकिन ये अनंत अंबानी को डेडिकेट किया गया है उनके एक फ्रेंड के थ्रू ऐसा बोलते हैं। एंड जो यहाँ के ओनर है वो भी धीरू भाई अंबानी को बहुत मानते हैं, और ये एक्चुअली में बहुत ग्रैंड प्लेस है और इसके अंदर भी लग्जरी फूड फूड के भरी हुई है। तो चलो आओ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। भाई कुछ भी बोलो लेवेश तो लग रहा है नहीं भाई, वो राजा महाराजा क्या नहीं आते थे फाइन डाइन में। भाई वॉशरूम भी समझ में नहीं आ रहा था इतना भाई, ये इतना ज्यादा चमक रहा है ना पूरे एरिया कि मैं काला देख रहा हूँ बहुत। ये अमीर लोगों को भाई सोने की चीज से क्या ऑब्सेशन है, मैंने नोटिस किया हर एक चीज गोल्ड ही रहती है भाई इनके पास। यार प्राइजेस तो सही लग रहे हैं नहीं, क्या बोलते हो भाई प्राइजेस ऐसे कुछ हम लोगों को बहुत मतलब रीजनेबल ही लग रहे हैं जिस हिसाब से रेस्टोरेंट है भाई, है ना भाई। हाँ मैं क्या बोल रहा था, क्या हुआ ये जो कपड़े हैं यूज करने के बाद फेंक देते हैं या फिर धुल के वापस आ जाते हैं। भाई वैसे तो मुझे लगता है कि हर जगह धोते होंगे लेकिन यहाँ पे मैं कह नहीं सकता भाई, क्या पता हर बार नया डालते हो ये। वैसे सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नया नया लाते हैं हर बार भाई, भाई अंबानी की जगह है कुछ भी हो सकता है। भाई ये देखो ऊपर शैंडलियर कितने सारे लगे हुए हैं। यार इतनी सारी जगह घूमके मैंने एक चीज तो नोटिस करी है, अमीर लोगों को व्हाइट कलर और उसके साथ थोड़ा सा गोल्डन और ऐसे चमचमाती चीजें बहुत पसंद है। ये चीज कॉमन थी भाई हर जगह। भाई ये देखो पेपर वेपर लगा के देते हैं नीचे। भाई ये चीज तो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। अच्छा कर... कुछ नहीं करना रहता है, बढ़िया तो है ठीक है। भाई जो उसका टेस्ट है वो कॉमन ही है, मतलब इतना कुछ खास या स्पेशल नहीं है, तो मैं रेट करूंगा 7।
है ना आउट ऑफ 10, लेकिन इनके जो प्राइजेस है वो रीजनेबल है, इसलिए 8 out of 10, एक पॉइंट सिर्फ इनके प्राइजेस कम रखने के लिए, मतलब ठीक है, मुझे ऐसा कुछ बहुत ही अलग कुछ फील नहीं हो रहा। ओके तो गाइज ये था आज का वीडियो, और हम लोग आप लोग के लिए ऐसे यूनिक कंटेंट लाते हैं, फिर चाहे वो प्लेसेस हो या फिर प्रोडक्ट्स, आप लोग के लिए ऐसी बढ़िया चीजें लाते रहेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।